नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम वक्फ बोर्ड की क्या कानूनी शक्ति है, आज हम इस बारे में समझेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। वक्फ बोर्ड क्या है, चलिए इसे समझते हैं। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में दे देते हैं तो वह संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। जकात में दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड जाती है। इसी प्रकार से वक्फ के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए दान कर, जिससे कि उसकी संपत्ति का मानवता के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। वक्फ बोर्ड के गठन कैसे हुआ, चलिए इसे समझते हैं। आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू सरकार ने लेकर के आई। साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुआ। 1995 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां दे दी। जिस तहत कानून कहता है कि यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगी। यदि दावा गलत हो तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। 2013 में फिर इसमें संशोधन किए गए, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे कि व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम शिक्षा प्राप्त कर सके। 1995 के संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दे दी गई। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड है। राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ बोर्ड का पूरा खर्च सरकार उठाती है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है, चलिए इसे जानते हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्यों में इसके शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, मुस्लिम स्कॉलर, टाउन प्लानर और इसके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतलबी भी होता है। वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं, चलिए इसे जानते हैं। वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत है। यह 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां है, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। जो आंकड़ा जानने वाला है वो आपको चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2 गुनी से ज्यादा हो गई। इनका कानूनी अधिकार क्या है, चलिए इसे जानते हैं। अगर किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकता है। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि ट्राइब्यूनल में कौन लोग होगा। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश यह होती है कि ट्राइब्यूनल का गठन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ एक्ट का दुरुपयोग, तमिलनाडु का ताजा मामला ही ले लीजिए। प्रदेश के तिचिरी जिले के एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मालकियत घोषित कर दी है। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ और सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार ही हैं, जबकि हिंदू आबादी करीब 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहां के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले से ही है। तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली अशक्तियों और उसके दुरुपयोग का एक शानदार उदाहरण है। मनमोहन सिंह सरकार ने दिल्ली में 123 संपत्तियों वक्फ बोर्ड को दे दिया थे। ये संपत्ति ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मनमोहन सिंह सरकार के फैसले की जांच के लिए दो समिति गठित हुई।
8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके बेहद प्राइम लोकेशन की 100 वक्फ संपत्ति से दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा खत्म करने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट गई। खबर आ रहा है कि वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। इसके तहत 123 संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रबंधन जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार 123 संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है, लेकिन सुनिश्चित करे कि इन संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के रोजमर्रा के कार्यकाज में कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो। मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। जिस जामा मस्जिद को वापस लिया जाना है वह लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है, ये जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।